that it is known in the late 90s, the Congress leadership had accused the DMK leadership of contributing to circumstances that led to the assassination of Sri Rajiv Gandhi, begs the question, at what cost will the Gandhi family do its politics? While the nation was recently witness to Mamata Bandyopadhyay ji pay reverence to Lalu ji, I'm sure neither the nation nor Lalu ji has forgotten how Mamata Bandyopadhyay presented a white paper describing in detail the incapacities of Lalu ji as a minister in the center. It is interesting that Mamata Bandyopadhyay has been extremely prophetic when she said that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. Like I said, wolves hunt in pack. The prey today that they have decided will be the future of India. I leave the floor open for questions, please. आसिफ एन अली आपके दो प्रश्न हैं, दोनों का अलग अलग जवाब है. आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है. जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना होगा कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और उनका परिवार पुनः भारत का विभाजन चाहता है. यतीन टीवी 18. आपने ममता जी के विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी का उल्लेख किया. स्वार्थ शायद इतना भी बड़ा नहीं है कि वो ना भूली हो कैसे उनके बाल से उनको घसीटकर कम्युनिस्ट पार्टी ने 99 में उनके अपमान किया. अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है वो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे. लेकिन अगर समझौता किया तो ये इस बात का संकेत है कि ममता जी के लिए उनका पॉलिटिकल स्वार्थ उनके निजी स्वाभिमान से बढ़कर है. एनी क्वेश्चन? आमोद राय टीवी 9. जिनका जागरण उत्तर प्रदेश में ना हुआ हो वो बिहार में जाके नवजागरण की बात करें, यह हास्यास्पद है. नीरज पांडे
नीरज जी, जैसे कि मैंने कहा, यह गठबंधन स्वार्थ का है। हम कतई भ्रमित ना हो, निशाने पर मोदी नहीं, भारत की तिजोरी है। धन्यवाद।